आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हम वसंत ऋतु का वेलकम कर रहे हैं, स्प्रिंग समर आ चुका है, गर्मियों का गर्मियों का आगमन हो चुका है हम सबकी जिंदगी में, राइट। तो दोस्तों इसी मौके पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है पलाश। दोस्तों दी फ्लावर शो ऑर्गेनाइज किया है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जिसको इनोग्रेट कर रहे हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, राइट। मतलब जिसका हमारे जो एलजी साहब हैं उनके द्वारा इनोग्रेशन किया गया है इस पलाश प्रोग्राम का। दोस्तों फ्लावर के साथ में काफ़ी सारी क्रिएटिविटी की गई है, बहुत तरीके के फ्लावर्स हम आप सभी लोगों को आज दिखाने वाले हैं एंड काफ़ी सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं इस इवेंट के अंदर, राइट। दोस्तों फ्लावर शो की एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत की गई है, तरी तरीके के फ्लावर्स देखिए, ये फ्लैग्स, एक गैलरी काइंड ऑफ पूरा डेकोरेट किया गया है स्वर्ण जयंती पार्क को। चलिए चलते हैं आगे। एंट्रेंस पर ही जो पेड़ है इस तरीके से सजावट की गई है। ये है एंट्रेंस पर ड्रॉप ऑफ पॉइंट, आगमन स्थल, एंड ये है एंट्रेंस। यह है दोस्तों एंट्री गेट। दिल्ली विकास प्राधिकरण पुष्पोत्सव 2023 पलाश के नाम से स्वर्ण जयंती पार्क में है, रोहिणी सेक्टर 10 पर यह ऑर्गेनाइज किया गया है। चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों अगर एक 360 व्यू आपने लेना है तो इस तरीके का है कुछ, देखिए बलून, ये कैनोपी लगाई गई है, पलाश का स्टेज, इस तरफ भी कैनोपी लगाई गई है। ये है स्टेज पलाश का, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा दिया गया है। ये स्टेज देखिए, फ्लावर्स, नाम बताना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। लोग फोटोशूट कराते हुए, सिर्फ फूलों का मेला आप कह सकते हैं, चारों ओर से इसको सजाया गया है। देखिए एंड ये हमारा स्टेज के एग्जैक्टली बैक साइड पे जो मिडल ऑफ द पॉइंट पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ। अब जो दोस्तों पलाश उत्सव की जो मेन हाईलाइट है, जहां पर सारी क्रिएटिविटी आपको दिखने वाली है फ्लावर्स के साथ में जो की गई है, वहां एंटर करते हैं, दिखाते हैं आपको पूरी एग्जैक्टली सारी की सारी चीजें, क्या क्या क्रिएटिविटी की गई है फ्लावर्स के साथ में, राइट। यात्रियों के आने जाने के लिए इस तरीके के रिक्शों का इंतजाम किया हुआ है। ये देखिए फ्लावर्स, ये देखिए एक बहुत ही सुंदर ये ऊंट फ्लावर्स की मदद से पूरा डिजाइन किया हुआ है, महकता हुआ ऊंट। एंड बगल में ही आपको ये सही है डंडा एक बहुत ही सुंदर हिरन,
क्लास 8 सेक्शन 1E। वाओ, लोग फोटो खिंचाते हुए, हॉर्स, व्हाइट हॉर्स। एंड दोस्तों, सिर्फ फ्लावर ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के आपको प्लांट्स भी यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिन्हों की एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रदर्शनी की गई है। सी, इस पर आप देख सकते हैं। काफी सारे पौधों के बारे में आप जानते होंगे, काफी सारे के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। प्लांट्स की वैरायटी आप देखते रहिए, तरह तरह के प्लांट्स। ये देखिए कितना सुंदर चीता, टाइगर बनाया गया है। बहुत मेहनत लगी होगी इसे बनाने में। एंड इधर आप देखिए कंगारू। इसकी आप आंख देखिए, देखो ये इस कंगारू का बच्चा आंख देखने पर बिल्कुल अलाइव लग सकता है आपको। ये इस हंस है, आई गेस हंस। एंड इधर देखिए बतख, ये देखिए कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पूरा बुफे बीच बीच में, मल्टीपल ऑफ फ्लावर्स को गैदर करके एक बहुत ही अच्छे से इनको सजाया गया है। इस तरफ देखिए एक ही तरीके के फूल की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज। सिर्फ ये नहीं कि प्रॉपर ध्यान भी रखा जा रहा है, वाटरिंग की जा रही है इन ऊपर। ये G20 को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत ही खूबसूरत एलिफेंट। दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। बतख दिए, ये एक कैट, ये नकली है बट सोती हुई। एक बहुत ही अच्छा घर, इस तरफ देखेंगे आप जल संरक्षण। इसके आगे ये देखिए हम तो गए 9 बजे तक, हम लोग आए थे 8:30, ये भी 9 बजे पहुंचे। ये हमारा इंडियन फ्लैग। एंड ये सभी फ्लावर्स असली हैं, 4G नेटवर्क शिवलिंग, कैलाश पर्वत। एंड ये देखिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इधर कुछ कार्स दिखाई गई हैं। एंड एक
ये असली फिश, ये असली मछलियां भी डाली गई हैं इसके अंदर। वाह देखा, असली मछलियां। सोलर यूनिट, चिल्ड्रन प्ले एरिया, ये देखिए हैंगिंग बास्केट में फ्लावर्स को डेकोरेट किया हुआ है इस तरफ भी। दिल्ली's फर्स्ट मल्टी पर्पज सेंटर अंडर ग्रीन बैम्बू कवर, ये सारा बांस से किया हुआ है डिजाइन। इस तरफ लेक बनाई हुई है, कैफे टेरेंस, वे टू कैफे टेरेंस, बंसेरा पार्किंग। इस तरफ ये बंसेरा पार्किंग है, ये देखिए यहाँ पर एंट्री होती है इसकी। इस तरीके की से डिजाइनिंग जो है, इधर एग्जांपल भी दिया गया है जो बंसेरा के तहत पहले जो जगह ऐसी थी, बाद में गवर्नमेंट ने उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। इधर देखेंगे इस तरफ ये कोई भी फेंसिंग नहीं की हुई है, जो बैम्बू की मदद से बाद में फेंसिंग की गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, नगर निगम, अर्बन फॉरेस्ट पार्क की डिजाइनिंग की हुई है इसमें, अर्बन फॉरेस्ट पार्क की। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड ये देखिए मेडिसिनल हर्बल गार्डन, ये एक हर्बल गार्डन यहाँ पे बनाया गया है कि किस तरीके से हर्बल गार्डन होगा। घर भी देख सकते हैं, किचन गार्डन। हाँ ये देखिए टेंटिंग की हुई है, जहाँ पर हर तरीके के फूल को शोकेस किया गया है। सवारी करते हुए लोग, हमारे जोकर साहब, हेलो, बच्चे खेलते हुए। खाने पीने का भी बंदोबस्त किया गया है, मुद्रा शिल्प। जिन्होंने कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लिया था वे लोग खादी के वस्त्र भी आप खरीद सकते हैं यहाँ से। फायर पान, पाव भाजी, खाने के लिए काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे, रसगुल्ले, ब्रेड पकोड़े, गोलगप्पे, टिक्की, चाय, दाल मोठ लोग खाते हुए। इधर देखिए दोस्तों, जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया था कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, तो दोस्तों ये थी कंप्लीट हाइलाइट्स पलाश उत्सव की, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 10 में, स्वर्ण जयंती पार्क। ये जो इवेंट है दोस्तों, नॉर्मल पब्लिक के लिए 25-26 को सुबह 10 बजे से लेकर के 7 बजे तक ओपन रहेगा, तो आप भी आए। आई होप आप सभी लोगों को आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं, बिकॉज वी नीड योर लवली सपोर्ट। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।